श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों को बुधवार को सुबह से बंद कर दिया गया है। रोजाना मंगला आरती के वक्त लाउड स्पीकर बजता था। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश का सम्मान करते हुए संस्था के सदस्यों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है। एटा यूपी के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक ने प्रधानाध्यापक के कथित तौर पर लाइसेंस पिस्टल से फायरिंग की और पिस्टल हराते हुए गाली गलौज करते हुए फरार हो गया। बकौल प्रधानाध्यापक शिक्षक स्कूल के अक्सर गैर हाजिर रहता था और मंगलवार को उसने अनुपस्थित रहे दिनों में हस्ताक्षर कर दिया, जिस पर विवाद हुआ। बीएस ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में नाच दिखाने के बहाने अपने भतीजे 11 को ले जाकर उसकी हत्या करने के आरोपी में फूफा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शव को नदी के किनारे बालू में छुपा दिया था। बकौल पुलिस आरोपी ने जुर्म स्वीकार लिया और उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। बहुत घोर कलयुग आ गया है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सीट से बीजेपी विधायक मुक्ता संजीव राजा ने अपर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पूछा है कि महानगर में कुल कितनी मस्जिदें हैं और उनमें से कितनी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हैं। उन्होंने यह भी जांच कराने की मांग की कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। ये लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा दिए हैं। महंगाई को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बागपत उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने बुधवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और गंदगी मिलने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सांसद ने दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में जनता दरबार लगाकर यात्रियों की समस्या सुनी। इस दौरान महिलाओं ने ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने, शौचालयों की साफ सफाई और रूट पर नई ट्रेन चलाने की मांग की है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिकंदर अली ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बकौल खबर सिकंदर अली ने पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को कायर बताया। सिकंदर ने कहा, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव की चुप्पी से मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। सीतापुर में एक अस्पताल में डॉक्टर पर एक जिंदा नवजात शिशु को मृत बता देने का आरोप लगा है। बकौल रिपोर्ट, परिजन जब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे तब शिशु में हलचल देखी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि शिशु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज आवाजों में संगीत बजाने पर रोक लगाने के निर्देश से बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। बकौल संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार, 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों और 6 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। बागपत में अप्रैल 2015 में केरोसिन डालकर गर्भवती भाभी को जिंदा जलाने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसकी ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 4 लोगों को बरी कर दिया है। मृतिका के पिता ने बताया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर दी थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में रोहित 26 नामक सपा नेता को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से धारदार हथियारों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मंगलवार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बकौल खबर 6 महीने पहले रोहित की शादी हुई थी। मामले में 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने एक दवा कारोबारी को परिवार सहित आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी सूदखोरों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए हैं। बकौल खबर, सूदखोर 12 लाख कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर दवा कारोबारी से 70 लाख मांग रहे थे, जिसके तंग आकर उसने 2021 में पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी। बहुत ही दुखदायी है। कौसामी उत्तर प्रदेश में 23 वर्षीय बेटी से कथित तौर पर कई बार रेप करने को लेकर पुलिस ने एक पिता को गिरफ्तार किया है। किशोरी के मुताबिक आरोपी करीब 1 साल से उसका रेप कर रहा था और विरोध करने पर पिटाई करता था। बकौल किशोरी पिता ने पुलिस को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फतेहपुर यूपी में मंगलवार रात बाराती से भरी एक बस और ट्रैक्टर ट्राली में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। बकौल जिलाधिकारी अर्पुरा दुबे ने 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में बारातियों की मौत पर शोक जताया है। अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश के विधायक मुक्ता राजा शहर में पेयजल और सफाई की समस्या को लेकर बुधवार को धरने में बैठ गई। विधायक ने कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और समस्या को लेकर उनका रवैया भी उदासीन है। बकौल विधायक, पेयजल और सफाई संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होने से जनता बेहद परेशान है। उत्तर प्रदेश यूपी में अक्टूबर 2019 में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले मुख्य आरोपी सैयद आसिम अली की जमानत अर्जी को एक अदालत ने खारिज कर दिया। बकौल रिपोर्ट, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए पर्याप्त धन नहीं है। गौरतलब है कि असीम की जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मी में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ में ह्यू फ्रैक्चर का ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब सवा एक घंटे तक चले इस ऑपरेशन में चार डॉक्टरों की टीम ने मुर्तजा के हाथ की हड्डियां जोड़ी हैं। गौरतलब कि लोगों की पिटाई से उसका हार्ट फ्रैक्चर हो गया था। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में एक युवक की बुधवार को अपनी शादी के दिन करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूल्हे का भाई और अन्य युवक करंट लगने से झुलस गए। बकौल खबर बोर्डिंग में पाइप के ऊपर उठने के दौरान वह हाई टेंशन तार से छू गया, जिसकी चपेट में दूल्हा समेत तीन युवक आ गए। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।